नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रोशन शर्मा जनसंपर्क अभियान लगातार चलाते हुए गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका कुर्था विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ की जनता के लिए ना तो बेहतर आज तक हॉस्पिटल की व्यवस्था हुई है और ना ही एक बेहतर अच्छा स्कूल है जहाँ शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर इलाज मिल सके। सड़क की व्यवस्था इतनी जर्जर है, थोड़े दूर यात्रा करने में घंटों समय लग जाते हैं। यहाँ के किसान के लिए उनके खेतों के पटवन के लिए आज तक सरकार के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं की गई। आज भी यहाँ के किसान को सूखा अकाल का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष रोशन शर्मा ने कहा कि बाढ़ हो या कोरोना हो, बाहर दूसरे प्रदेश में गरीब मजदूर फंसे हुए थे, उनके लिए सरकार को थोड़ा सा भी चिंता नहीं था। जब जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने किसान मजदूर के लिए आवाज उठाई, तब जाकर थोड़ा थोड़ा सरकार का नींद खुला, मजदूर के लिए व्यवस्था किया गया। बिहार में पिछले 4 सालों में पप्पू यादव जी ने एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाए हैं। लोगों को यह समझना होगा कि पिछले 30 साल के सरकार में बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, हत्या लूटपाट जैसे चीजों में काफी इजाफा हुआ है। अभी तक पिछले 30 साल के शासन में इस समस्या का निदान नहीं हुआ। पप्पू यादव जी सड़क से सदन तक हर समस्याओं को बेहतर ढंग से उठाने का कोशिश किया और उनसे जितना भी बन पाता है जनता के लिए उन्होंने हर प्रयास किया है। जनता को एक बेहतर विकल्प चुनने की जरूरत है। आज रोशन शर्मा ने कई गांव में जाकर कुर्था को बचाने की अपील की।